नमस्कार प्रणाम राम राम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज की हमारी सुबह जबलपुर में हुई है और यहाँ पे वन विभाग का एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे हुई है। तो रात भर अपना रात यहीं बिताए हैं हम। और इस समय देखिए एक कुछ सर लोग हैं, इनकी ड्यूटी यहाँ पे है, तो अपना यहाँ पे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और इनके एक चेक पोस्ट पे हम यहाँ रात अपना बिताए थे, तो हमारा बैग है, हम रेडी हो चुके हैं। नियर अबाउट सुबह 10 बज रहे हैं और हम सुबह सुबह बिना ब्रश किए जलेबी और पुआ का, सर लोगों ने नाश्ता मंगाया, जलेबी पुआ का नाश्ता भी कर लिया, चाय भी पीकर मस्त रेडी है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं धुआंधार जलप्रपात की तरफ। वहाँ पे दो तीन जगह लोग बताए हैं देखने के लिए, तो कोशिश करेंगे सभी जगह वो देखने की और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। चलिए यहाँ सब जर्नी स्टार्ट करते हैं धुआंधार जलप्रपात की तरफ। और इस समय टाइम हो रहे हैं 10। वन विभाग के चेक पोस्ट से धुआंधार जलप्रपात की दूरी नियर अबाउट 25 किलोमीटर की थी, जो कि बाईपास से जाते तो इजी रहता, लेकिन हमने सिटी से जाने का फैसला किया। और फिलहाल ये भैया है, इन्होंने लिफ्ट दिया है, इनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रीजन इसका ये है कि हम सिटी के दूसरे छोर पे हैं और धुआंधार जलप्रपात दूसरे छोर पे है, अपोजिट है, तो हम सोचे इसी बहाने हम सिटी भी देख लेंगे, तो बाइक साथ चल रहे हैं। दोस्तों हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जबलपुर में करीब लिफ्ट लिए थे, तो 2 घंटे इधर उधर घूमे हैं शहर में। उसके बाद जैसे वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे, ए अंकल जी आ रहे थे, इन्होंने हमें लिफ्ट दिया। और एक गांव है इनका, इस गांव क्या नाम है? चौकीताल भरपुरा। चौकीताल भरपुरा, हाँ। जबलपुर में पड़ता है, मेलाघाट के नजदीक है, धुआंधार के पास। अच्छा, तो यहाँ पे माता जी का मंदिर है, श्री मातेश्वरी खेरमाई मंदिर। इस माता जी के मंदिर पे कुछ यहाँ पे पूजा हुआ और यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए अंकल जी लोग हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? परिक्रमावासी लोग रुके हैं, परिक्रमावासी लोग रुके हैं, लाइव चला रहे क्या? तो दोस्तों इन लोग साथ यहीं पे हम भी आए हैं, तो फिलहाल काफी अच्छा, इन लोगों ने हमारी जर्नी को देखा, सोचा काफी मतलब सम्मान किया हमारा। और इन लोगों के साथ यहाँ पे कुछ पूजा में भाग लिए हम भी, और यहाँ पे भंडारा जो चल रहा है, यहाँ भंडारा इनके साथ खाएंगे, इनके साथ उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहुत प्यार मिला इन लोगों से, काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल देखिए बहुत से लोग हैं ऐसे यहाँ पे, आंटी जी लोग इधर, यहाँ के कुछ विशेष व्यक्ति लोग हैं। फिलहाल आप क्या बताएं अंकल जी? राम पटेल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष। हाँ, आप? मैं चतुर सिंह लोधी, नगर परिषद अध्यक्ष, भेड़ाघाट जलपुर। तो दोस्तों फिलहाल इन लोगों का एक परिचय रहा अंकल जी का, और फिलहाल मिला रहे हैं एक अंकल जी हैं, फिलहाल इस पूजा का संचालन एक कर रहे हैं हमारे नगर पंचायत उपाध्यक्ष नेत्राम पटेल जी, जी। हमारे शिव पुराण एवं आरती कराने वाले पंडित श्री दुबे जी, और मैं कमल धाकड़ सेवा कल्याण संस्था से, जी जी, सभी के सहयोग से। हमारे नारायण पटेल हैं, अनिरुद्ध पटेल हैं, हमारे रुद्र प्रताप पटेल जी हैं, जी सब सामाजिक एवं सेवा कल्याण की भावना जो रखते हैं, देश के प्रति प्रदेश के प्रति समर्पित है, ऐसे लोग की भावना से जुड़े। ये माता राम 9 बार परिक्रमा कर चुकी हैं, 3 बार पैदल एवं बस से, इनका नाती को लेकर चल रहे हैं 7 बार। ये राधे माँ हैं, 24 घंटे आपके कृष्ण भगवान का भगवान का 24 घंटा ये कृष्ण भगवान रहते हैं, इनके साथ भक्ति में रहते हैं। अच्छा, हाँ। और ये हमारे चतुर पटेल राजी के भेड़ाघाट अध्यक्ष नगर पंचायत, उनका गांव है। अच्छा, ये उपाध्यक्ष का फार्म हाउस है। अच्छा, अध्यक्ष भेड़ाघाट विश्व में सौंदर्य स्थल प्रथम स्थान, जी जी। मैं कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। अच्छा, जबलपुर में, जी जी। आपकी सेवा में आपके लिए धन्यवाद, आप भारत भ्रमण करने के लिए, आप जैसे युवाओं की भावना, आप जैसे लोग प्रेरणा, जो पैदल चलकर हमारे सहयोग में बिठा के लाए, इन्हें बताया, ये हमारी गुड़िया जी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की नर्मदे, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल वो आंटी जी हैं, वो अपने साथ कहीं भी जाती हैं, वो देखिए श्री कृष्ण भगवान को लेकर चलती हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी अच्छा लगा, पूरा देश हम घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी चीजें देखने को मिली, बहुत सी जगह देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ा समझे बहुत आकर्षित किए हैं। यहाँ के लोग अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति काफी जागरूक है। ये चीजें आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी अच्छा होगा। तो फिलहाल इन लोगों के साथ हम भी इनके पूजा में सम्मिलित हुए हैं, और
इनके साथ पूजा करके यहाँ पे जो है चल के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बहुत अच्छा लगा, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। दोस्तों आप कितना भी अच्छा भोजन कर लीजिए, कहीं कितनी अच्छी जगह पर बैठ के कर लीजिए भोजन, लेकिन एक भंडारे का जो भोजन होता है और इस नीचे पंक्ति में बैठ कर एक भंडारे का खाना खाने का जो मजा होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसकी जो फीलिंग होती है ना वो अलग होती है और काफी अच्छा लग रहा है। हम अपनी जर्नी में दूसरी बार है जो मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आप दिखाइएगा सबको। और दोस्तों प्रसाद आ गया है, सामने देखिए बाटी चोखा है, घी लगी है घी में, और पीछे भंडारा बन रहा है, आप दिखा दीजिएगा भंडारा पीछे। दोस्तों फाइनली यहाँ के पूजा का जो भंडारा हो रहा है, यहाँ पे हम प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं और काफी प्यारा आशीर्वाद मिला यहाँ के लोगों से। देख सकते हैं अभी बहुत से लोग नीचे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं बैठकर, और हम ग्रहण कर चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी आगे वाटरफॉल की तरफ बढ़ाते हैं जो कि यहाँ से नियर अबाउट 4 किलोमीटर करीब है। तो भाई साहब जा रहे हैं स्कूटी से, देखिए ये लिफ्ट दिए हैं इनके साथ, इनके बाइक पे चलते हैं। अब फाइनली वाटरफॉल के पास आ गए हैं और हम मेन रोड से सीढ़ियों से नहीं आ रहे हैं, हम बीच रास्तों में से जंगलों में निकल गए देखने के लिए। काफ़ी उत्साहित हैं वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ का जबलपुर का। दोस्तों फाइनली वाटरफॉल के पास आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत साफ भी पानी, एकदम साफ पानी है, स्वच्छ पानी है। कुछ भाई लोग यहाँ पे देखिए नहा रहे हैं और हम वेटिंग में हैं। ये भैया लोग तैयारी में हैं, ये सभी लोग इन लोगों का ग्रुप है। और ये देखिए भाई साहब परेशान के, रुको हम कहीं टेंशन नहीं, तुम्हारे भी हम लेंगे। देखो आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। हाँ ये सभी भैया लोगों का ग्रुप है, ये भैया लोग फिलहाल भरतपुर के पास के हैं। आप सभी लोग राजस्थान भरतपुर से हैं? राजस्थान हमें बहुत अच्छा लगा, राजस्थान में हमारी जर्नी 40 दिन की रही, आप लोग देखिएगा जी, हम राजस्थान घूम चुके हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान से सभी भैया लोग हैं, इन लोगों का ग्रुप आ रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, राम राम, राम राम भाई, सत श्री अकाल। भाई ने हमको अपने पोर्टल चैनल पे दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों इन भैया लोगों के साथ इस वाटरफॉल का आनंद लिया जाए, बहुत एक्साइटेड है हम। भरत माता के जय, प्रभु रामचंद्र के जय। काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो इस वाटरफॉल का आनंद लिया जाए। यहाँ पर मौका मिला है तो नहाएंगे और कपड़े भी धुलेंगे। ख्याल देखिए कपड़े सारे निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा गंदे हैं और ये भी धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे मस्त नहाएंगे, उसके बाद सुखाएंगे पूरा शाम तक, उसके बाद यहाँ से लेंगे, शाम तक इस व्यू का आनंद लेंगे। फाइनली कपड़ा धुल के रेडी हो चुके हैं और काफी भाई साहब लोग हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। इस मोमेंट को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, सभी लोग जी भर के इस पल को जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप कहीं भी रहते हो जिंदगी भर कमाना खाना परिवार हर एक चीज तो लगा रहेगा दोस्त, जो भी आपको कोई भी मोमेंट मिले उसको फुल इंजॉय कीजिए, यही जिंदगी है अपनी। तो एक गीत हमें याद आ रहा है, सोच रहा हूँ मैं गुनगुना दूँ। हाँ गुनगुना दो भाई साहब, यदुवंत सिंह जी। हाँ गुनगुनाओ कहते हैं। हाँ गादो गादो यस। आई प्यार की ये रुति बड़ी सुहानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदले गए मौसम अरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखो और जो भी काम कर रहे हो उसमें जी भर के एंजॉय करो। चलिए दोस्तों नाते एंजॉय करते हैं भैया लोगों के साथ। और ये देखिए दो लोगों की जबरदस्त जोड़ी है, अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग, पानी काफी साफ और कुल है। दोस्तों लाल नहा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहाड़ी नदी में आप जब भी नहाइए तो जो पहाड़ के हैं तो जानते ही होंगे, और जो समतल के हैं जैसे मेरी तरह जो समतल एरिया के हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, आप जब भी नहाइए काफी संभल के नहाइए, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं होती, इसमें पूरा पत्थर है और कहीं 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 काफी डाउन है, कभी उभरा हुआ है,
वहाँ पे चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है और फिसलन रहती है जिससे चोट भी लग सकती है। तो इसमें कभी भी नहाए संभल के नहाए, उसकी गहराई या कुछ पता नहीं होता, जहाँ तक दिखे जहाँ तक आप समझ सके वहाँ तक उसके अंदर न जाएं, क्योंकि फिसलन भी रहती है, कहीं कहीं अचानक गहराई रहती है और पानी की धारा में बह सकते हैं, पत्थर थर लड़ेंगे तो काफी चोट भी लग सकती है। ख्याल काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे देखिए भाई लोग फुल एंजॉय। पानी ठंडा है, पूरा राजस्थानी पलटन है और ये रेलवे कर्मचारी हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं, ये भाई साहब रेलवे विभाग है, यहाँ पे पूरा रेलवे यहाँ पे आया है, करीब 20-25 रेलवे है यहाँ पे, रेलवे विभाग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिलहाल दोस्तों हम पानी में चलते हैं, यार फिसलन है, डर भी लग रहा है कहीं गिरे ना, और जाने के लिए उत्सुक भी है। फिलहाल ये नीचे देखिए, ये देखिए काफी यहाँ पे फिसलन है, हाँ, पानी भी बहुत ठंडा, पानी तो कूल है, मस्त है, नहाने का एंजॉय फुल ये लोग ले रहे हैं और इनके साथ हम भी, यस, कपड़ा धोकर उधर फैलाए हैं। विवेक यादव ब्लॉग, विवेक यादव जिंदाबाद, मिस्टर विवेक यादव बहुत ही अच्छे नेक इंसान यह एमपी की धरती पर। दोस्तों भाई साहब बर्मन चैनल से विवेक ब्लॉग, बहुत ही अच्छे देखो आप चारों ओर वहाँ तक ब्लॉग। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वाटरफॉल पे, काफी लोग इधर तो काफी ज्यादा भीड़ लगी है, हम लोग भीड़ से हट कर हैं। भाई साहब हम देखे हैं यहाँ पे रेलवे विभाग है, हम इधर शामिल हो गए हैं क्योंकि रेलवे विभाग से हमारा भी पुराना नाता है, हमारी दो पीढ़ियां जो है आगे की रेलवे विभाग से संबंधित है। देखिए भाई साहब नहा लिए, मस्त डांस कर रहे हैं और इधर भाई साहब ज्यादा तो नहीं हो गई अरे घर छोड़ के आए लोग, सभी लोग बीवी से दूर है तो बहुत खुश है, देखना भाई घर जाकर खुश जाओगे इतना तो बीवी की वाट लगेगी, बच के रहना। हमारा क्या है 24/7 सेफ्टी का काम रहता है, अच्छा, इसलिए क्या है बहुत कंजेस्टेड रहते हैं, हाँ, बहुत ऐसा साल में कोई 2-4 दिन ही मिल पाते हैं तो हम एंजॉय कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आपके साथ आज बहुत अच्छा लगा, देखिए टाइम मिला जब भी एंजॉय करना चाहिए, जिंदगी तो लगी है भाई। भाई साहब रेलवे विभाग है, वाट लगा देगा। फिलहाल हम ये एंजॉय करते हैं, एनपीएस धोखा है। दोस्तों मस्त जिंदगी का एंजॉय है, यही है यार, यही जिंदगी है, जिंदगी का बस यही सफर है। किसको हाँ जंगल तो है यहाँ, हरियाली काफी है नो डाउट, आप देख सकते हैं ऊपर साइड साइड हरियाली है, भाई ने हमें याद दिला दिया, बहुत सही किया, साइड साइड काफी हरियाली है और इधर से नर्मदा जी आ रही हैं जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकली हैं, ये देखिए, और बीच में वाटरफॉल हल्का हल्का डाउन होते जा रहा है, इधर काफी एंजॉय लोग कर रहे हैं, उधर ऊपर रोपवे सिस्टम है, गहरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है गहरा नहीं है भाई, ऐसे तो सब स्विमर। दोस्तों फाइनली नहा धोके मस्त रेडी रेडी हो चुके हैं और भाई साहब लोग जो हैं रेलवे विभाग की इन लोगों का ये अधिवेशन का एक कैप बनाए हैं और इनका चुनाव चिन्ह गाय है, देखिए इस गाय का सिंबल होगा, तो ये लोग अपना कैप हमें भेंट किए हैं, खैर बहुत अच्छा लगा, और ये लोग भी अपना मस्त नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, अब ये लोग भी जा रहे हैं, इन लोगों के साथ काफ़ी इंजॉय किए, काफ़ी अच्छा लगा, ये लोग मतलब थे तो हमें अकेलापन महसूस नहीं हुआ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों के साथ कुछ पल बिताए हैं, फिलहाल अब तो जर्नी है कि बिछड़ना तो वही है। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल कपड़े हमारे सूख रहे हैं, कपड़े सूख जाएंगे शाम, अब देखिए हमें लगता है शाम तो ही जाएगी, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक खिलेंगे भी नहीं, फिलहाल देखिए बैग यहाँ पे पड़े हुए हैं, मस्त इंजॉय कर रहे हैं, नहा धोकर मस्त बैठे हैं, इस व्यू का आनंद ले रहे हैं, अकेले अभी इस टाइम अकेले हैं,
अमरुद लिए हैं, अमरुद का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे अकेले बैठे हैं, अच्छा लग रहा है यार। और वो पीछे कपड़े फैलाए हैं और सूख भी रहे हैं, इधर कुछ लोग नहा रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से, मुझे बहुत सुकून आ रहा है यहाँ पे बैठा हूँ। कपड़े हालांकि ऐसी बात नहीं, दूसरे कपड़े हैं पहन के जा सकता हूँ, लेकिन वो सूखने का भी वेट है और व्यू भी अच्छा लग रहा है इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग बैठकर खाना बना रहे हैं, ये लाल सा आपको दिख रहा होगा, नहीं ऊपर चार पांच लोग बैठे हैं, ये ऊपर चार पांच लोग बैठे हैं, ये बैठकर यहाँ पे खाना बना रहे हैं। और पीछे यहाँ पे आग जल रही थी, यहाँ पे एक हमारे जस्ट पीछे ऊपर लाश जलाई जा रही थी, यानी कि यहाँ कई जगह है, वाटरफॉल भी है, नहाने धोने की अच्छा सुविधा है, पिकनिक स्पॉट भी है, शमशान घाट के भीतर है। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी जर्नी एंजॉय करते हैं, अच्छा लग रहा है, हम व्यू को एंजॉय कर रहे हैं दोस्त। 2 बजे यहाँ पे आए थे, इस समय 4:15 बज रहे हैं और जब हम कपड़े धुले हैं तो उसको काफ़ी गाड़ दिए, उसका पानी निकाल दिए हैं, तो जिससे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, अब कुछ देर में वो सूख जाएगा। 5 बजे तक वेट करेंगे यहाँ पे सूखने का। तो फिलहाल अभी बैठे हैं, व्यू देख रहे हैं, तो बैठे ही थे तो हम एक चीज़ ध्यान दिए, यहाँ पे काफ़ी साइड साइड में कुछ इधर पे काफ़ी कचरा पड़ा है कुछ, तब तक इसी को साफ कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो सहयोग करेंगे, तो सोच रहे हैं यही तब तक साफ कर दें, हम कचरा हटा दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 5 मिनट मुश्किल से लगा है दोस्तों। और इधर का कुछ कचरा था इधर साइड में हल्का हल्का, साफ करके उधर ऊपर डाल दिए, ऊपर कर दिए। तो अब फिलहाल अब इस बोर्ड को थोड़ा सा, ये डिसकलर हो रहा था, इसको थोड़ा सा डार्क कर दें क्योंकि परमानेंट कलर हम रखे हैं साथ में। इस समय 5:20 हो रहा है और कपड़ा हमारा सूख चुका है, हल्का हल्का गीला था, बहुत हल्का हल्का, नॉर्मली खास करके पैंट, फिर भी हम पहन लिए हैं और सूख जाएगा कुछ देर में, और अपना हम सामान भी पैक कर लिए हैं। इस व्यू को हम काफ़ी इंजॉय किए, यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे थे, कुछ वर्क भी किए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ का कचरा साफ कर दिए हैं, अपना बोर्ड को फिर कलर कर लिए हैं, इसी में हमारा टाइम पास हो गया और व्यू देखने में काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि 2 बजे यहाँ पे आए थे, 3:20 यहाँ पे दिए हैं, इसमें नहाए धोए हैं, फर्स्ट क्लास के कपड़ा भी धुले हैं, अंडरवियर, बनियान, सॉक्स, रुमाल, 2 स्वेटर, 1 पैंट, इतने कपड़े भी धुले थे। तो 3:20 में काफ़ी हम काम कर लिए यहाँ पे अपना। अब यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि ये व्यू दिख रहा है, इस तरफ से साइड साइड से निकलेंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। इधर कोई नहीं है, अब हम चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे शमशान घाट है, देख सकते हैं, ये शमशान घाट है, इधर लाशें जलती है। और यहाँ पे आगे कुछ लोग खाना बनाकर भी खा रहे थे, तो बहुत सी जर्नी है, अपने अपने हिसाब से लोग देख रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं, हम तो उधर थे, अभी फिलहाल हम जहाँ पे बैठे थे वो अभी डूब चुका, पानी बढ़ रहा है और 1 घंटे से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इधर भी पानी नहीं आ रहा था, अभी इधर भी पानी आ रहा है ऊपर ऊपर इस पत्थरों में, रात के में लग रहा है पानी बढ़ेगा। तो फिलहाल अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर आगे। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे जबलपुर भेड़ाघाट का मेन दृश्य वाटरफॉल का यही मिलता है आपको, और ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और यही काफ़ी आवाज़ कर रहा था उधर हम थे। तो फिलहाल यहाँ पे पानी नीचे से ऊपर हल्का हल्का उठ रहा है और आगे जाके गिर रहा है, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की उधर। फिलहाल यहाँ पे नदी काफ़ी गहरी हो गई है नर्मदा जी, अगर यहाँ पे अगर कोई फंसा है तो काफ़ी मुश्किल होगा उसके लिए निकलना, हालांकि पत्थर भी हैं इसमें उभरे हुए, उससे चोटिल भी हो सकता है आदमी, तो कभी भी इसीलिए हम यहाँ पे ना आकर काफ़ी आगे थे हम लोग, जिससे दिक्कत ना हो कोई। जैसे अपने वाराणसी में गंगा जी की आरती होती है, उसी तरह यहाँ पे नर्मदा जी की आरती हो रही है काफ़ी धूमधाम से, हालांकि कुछ लोग हैं लेकिन काफ़ी अच्छे से प्रेम से भक्ति भाव से अपना आरती कर रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा हमें और शायद आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहाँ पे इधर नर्मदा जी को गंगा माँ इतना पवित्र मानते हैं लोग। दोस्तों तो हम ये भेड़ाघाट घूम चुके हैं, सबसे पहले जब आप मेन हाईवे से आएंगे भेड़ाघाट पे, तो सबसे पहले आपको पड़ेगा बोटिंग भेड़ाघाट पॉइंट, सेकंड नंबर पे आपको पड़ेगा
वेराघाट जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, उसके आगे संगमरमर की चट्टाने मिलेगी, तो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। फिलहाल हम तो पीछे से आए थे जंगल के रास्ते, और जाते टाइम ये मार्केट लगी है, मार्केट से गुजर कर हम आगे मेन रोड पर चलेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी ऐसी है जिसमें शिवलिंग निकलती है। ये देखिए, ये नदी से निकले हुए पत्थर हैं जो शिवलिंग के आकार के हैं। भारत की इकलौती ऐसी नदी है नर्मदा नदी जिसमें शिवलिंग निकलते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं आगे, ये देखिए, यहाँ छोटी से लेके बड़ी शिवलिंग और नंदी गाय काफ़ी पत्थरों से बनी हुई हैं, और ऊपर मूर्तियाँ सजी हुई हैं पत्थर की। तो आप चाहें यहाँ पे लेना देखना तो वो भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल। इनके दुकान का नाम है लक्ष्य मार्बल आर्ट। दोस्तों फिलहाल हम भोपाल हाईवे पे आ चुके हैं, यहाँ से नियर अबाउट 300 किलोमीटर भोपाल है, और लिफ्ट की हम वेट कर रहे हैं, जैसे लिफ्ट मिलेगी हम आगे बढ़ेंगे। अंधेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:35 के करीब, तो चलिए जर्नी भोपाल की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वहाँ पे मेन हाईवे पे जबलपुर के मतलब धुआंधार जलप्रपात से आए हैं मेन हाईवे पे जबलपुर और भोपाल वाले, तो करीब 7:20 पे वहाँ पे 7:15 पे ही आ गए थे, 7:20 से हम काउंट किए, तो करीब एक घंटे परेशान थे वहाँ पे, हमें लिफ्ट नहीं मिली है। तो एक भैया आ रहे थे पास में टोल प्लाजा है वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे वो लेते आए। तो ये अब टोल प्लाजा पे हैं, अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। इस समय 7:40 हो रहे हैं, तो टोल प्लाजा पे जैसे ज़्यादातर गाड़ियाँ रुकती हैं, तो उम्मीद यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन देखिए क्या होता है। कुछ भरोसा जब तक मिले नहीं तब तक क्या कहते, लेकिन हाँ मिलेगी जरूर, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगी। अब कब मिलेगी ये फिक्स नहीं है, फिलहाल देखते हैं।